आज हम स्टडी करेंगे डेवलपमेंट ऑफ चिक या चूजे का परिवर्धन। चित्र में हम देख सकते हैं ये हेन एग है और हेन का जो एग होता है, मुर्गी का अंडा, ये एक इसके ऊपर एक सुरक्षात्मक कवच पाया जाता है जो कि मजबूत होता है। और इसकी ये विशिष्टता होती है कि ये अत्यधिक पोरस होता है, छिद्रित होता है। यह मुख्यतया कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है और छिद्रित होने के कारण इसके आर पार ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो सकता है। तो इस प्रकार के ये जो ये मजबूत कवच पाया जाता है इस मुर्गी के अंडे के चारों ओर, ये जो हेंस एग होता है ये क्लिडोइक प्रकार का एग होता है। तो ये अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये शेल है और शेल के नीचे एक शेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। शेल मेम्ब्रेन के नीचे मतलब ये तो बाहर का शेल है जो कि पोरस है और इसके नीचे शेल मेम्ब्रेन पाया जाता है जिसके नीचे एल्ब्यूमिन का स्तर पाया जाता है। एल्ब्यूमिन में जल पाया जाता है और प्रोटीन एल्ब्यूमिन इन दोनों से मिलकर बना रहता है। जल और एल्ब्यूमिन नाम के प्रोटीन से एल्ब्यूमिन बना है। तो अब यहां पर हम देखते हैं अन्य संरचनाएं। मध्य में हम देख सकते हैं कि योक पाया जाता है और योक के ऊपर हम यहाँ एक छोटा सा ब्लास्टो डिस्क हम देख सकते हैं। हेंस एग यानी कि मुर्गी का अंडा पॉलीलिसिथल या मैक्रोलिसिथल होता है, यानी कि इसमें योग की मात्रा, पीतक की मात्रा बहुत अधिक होती है और साथ ही यह टीलोलेसिथल होता है, यानी कि जो योग है वो वेजिटल पोल पर पाया जाता है। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यह है कि मुर्गी का अंडा भूमि पर ले किया जाता है, मतलब जल के समीप या जल में नहीं एग लेइंग होती है। तो इसे सूखने से भी बचाना है और जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसकी भी सुरक्षा भी रखनी है और उसे न्यूट्रिशन, पोषण और मॉइस्चर की उपलब्धता भी सुनिश्चित करनी है उसके लिए। तो इस वजह से इसमें बहुत ही विशिष्ट संरचनाएं डेवलप की गई हैं। तो ये सारे अडैप्टिव स्ट्रक्चर्स हैं जो कि मुर्गी के अंडे में हम देख सकते हैं, ताकि मुर्गी जो है वो सूखी जमीन पर जो भी एग लेइंग करती है तो अंडे सूखने से बच सकें और अंदर जो भी विकसित होता हुआ भ्रूण है उसको पोषण और सुरक्षा सतत रूप से मिलती रहे। तो इन्हीं कारणों से इस पर ये सुरक्षात्मक कवच भी पाया जाता है और अंदर अनेक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स पाए जाते हैं जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। अंदर इसमें योक की मात्रा बहुत अधिक होती है ताकि बढ़ते हुए भ्रूण को पोषण
मिलता रहे। तो अब हम बात करते हैं विदलन के बारे में। निषेचन के 3 घंटे के पश्चात विदलन प्रारंभ हो जाता है। निषेचन के 3 घंटे के पश्चात विदलन का प्रारंभ हो जाता है और क्लीवेज फरोज जो है, विदलन की जो खांचे हैं वो योक तक नहीं जा पाती हैं, योक में नहीं एक्सटेंड करती हैं और विदलन की खांचे ब्लास्टो डिस्क तक ही सीमित रहती हैं। ये जो बीच का पोर्शन होता है वहीं तक विदलन की खांचे सीमित रहती हैं। और ये जो ब्लास्टो डिस्क है ये साइटोप्लाज्म है और ये छोटा सा एरिया ऑक्यूपाई करता है योक के ऊपर। तो पहली विदलन जो खांच होती है उसके फलस्वरूप वो वर्टिकल खांच होती है और इसके फलस्वरूप 2 डॉटर न्यूक्लियाई उत्पन्न होती हैं। तो डिस्क जो है ब्लास्टो डिस्क अपूर्ण रूप से 2 सेल्स या ब्लास्टोमियर्स में विभाजित हो जाता है। सेकेंड क्लेवेज परो भी इनकम्प्लीट तरीके से संपन्न की जाती है। सेकेंड क्लेवेज परो भी इनकम्प्लीट तरीके से ही संपन्न की जाती है और उसके बाद अन्य इनकम्प्लीट और इररेगुलर फरोज संपन्न किए जाते हैं। तो इन डिविजन्स के फलस्वरूप ब्लास्टो डिस्क एक शीट ऑफ सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है जिसे हम ब्लास्टोडर्म कहते हैं। मतलब ये सारे जो प्रथम कुछ जो क्लेवेज होते हैं जो कि ब्लास्टो डिस्क पर संपन्न होते हैं तो उनके फलस्वरूप ब्लास्टोडर्म तैयार हो जाता है और अनेक क्लेवेजेस हॉरिजॉन्टल भी होते हैं। तो इस वजह से ब्लास्टोडर्म जो है वो मेनी सेल्स थिक बन जाता है। इस चित्र को हम एक बार दोबारा देखें। जैसे ये पूरा योक है, अब योक के बस ऊपरी पोर्शन में छोटे से भाग में यहाँ पर एक छोटा सा पोर्शन पाया जाता है एक्टिव साइटोप्लाज्म का जिसे हम ब्लास्टो डिस्क कहते हैं और यहीं पर मात्र विदलन की प्रक्रिया संपन्न हो रही है। फिर ये भ्रूण बड़ा होता चला जाता है और ये मतलब योग से न्यूट्रिशन प्राप्त करता हुआ ये बड़ा होता चला जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हेंस एग में जो क्लेवेज संपन्न होता है वो एक छोटे से एरिया तक ही सीमित होता है और योग को विदलन की जो खांचे हैं वो कट नहीं करती हैं। तो और इसके फलस्वरूप ब्लास्टोडर्म उत्पन्न होता है जो कि एक छोटा सा पोर्शन होता है। तो इस प्रकार के क्लेवेज को हम डिस्कॉइडल कहते हैं, मीरोब्लास्टिक कहते हैं, जिसमें कि मैक्सिमम पार्ट जो है ओवम का वहां तक क्लेवेज की खांचे नहीं पहुंचती हैं।
अब हम देखते हैं ब्लास्टुलेशन की प्रक्रिया किस प्रकार संपन्न होती है। तो ब्लास्टोडर्म अपने केंद्रीय भाग में नीचे जो योक होता है उससे पृथक हो जाता है और ब्लास्टोडर्म और योक के मध्य एक फ्लूइड फिल्ड स्पेस का डेवलपमेंट हो जाता है जिसे हम सब जर्मिनल कैविटी कहते हैं। तो ये है सब जर्मिनल कैविटी। इस वजह से जो केंद्रीय भाग होता है उसे तो कहते हैं हम, वो कुछ ट्रांसलूसेंट सा नजर आता है तो उसे हम कहते हैं एरिया पेल्यूसिडा, और जो एरिया पेल्यूसिडा के बाहर का जो भाग होता है मतलब कि पेरिफेरल परिधीय भाग जो होता है ब्लास्टोडर्म का जो कि योक की सतह पर पाया जाता है उसे हम अब एरिया ओपेका कहते हैं। एरिया पेल्यूसिडा, याद रखने वाली बात यह है कि एरिया पेल्यूसिडा से ही बॉडी एम्ब्रियो प्रॉपर की बॉडी डेवलप होती है और एरिया ओपेका से एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो इस स्टेज को हम ब्लास्टुला कहते हैं अकॉर्डिंग टू सम वर्कर्स, और सब जर्मिनल कैविटी को इक्विवेलेंट माना जाता है, ब्लास्टोसील के बराबर माना जाता है। हालांकि सब जर्मिनल कैविटी ट्रू ब्लास्टोसील नहीं है। प्रिजम्प्टिव एरियाज की हम बात करें तो जो द मल्टी लेयर्ड ब्लास्टोडर्म ऑफ एरिया पेल्यूसिडा बिकम्स रीअरेंज्ड टू फॉर्म अ सिंगल लेयर ऑफ क्यूबिकल एपिथेलियल सेल्स कॉल्ड एपिब्लास्ट। गैस्ट्रुलेशन की हम बात करें तो गैस्ट्रुलेशन एग लेइंग से पहले ही प्रारंभ हो जाता है और इसके अंतर्गत एंडोडर्म फॉर्मेशन होता है और फलस्वरूप ब्लास्टुला डिप्लोब्लास्टिक या टू लेयर्ड गैस्ट्रुला में ब्लास्टुला का डेवलपमेंट हो जाता है। इस चित्र में हम देख सकते हैं कि ब्लास्टोडर्म जो है, ब्लास्टोडर्म का जो सिंगल जो सेंट्रल पोर्शन है केंद्रीय भाग है उसके नीचे सब जर्मिनल कैविटी डेवलप हो गई है, इस वजह से यह एरिया पेल्यूसिडा कहलाता है और इसी से एम्ब्रियो प्रॉपर बॉडी डेवलप होगी। जबकि जो साइड वाला पोर्शन है ब्लास्टोडर्म का जो कि योक के ऊपर रेस्ट कर रहा है उसे हम एरिया ओपेका कहते हैं और इस पोर्शन से एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं। तो चिक में गैस्ट्रुलेशन का प्रारंभ हो जाता है एग लेइंग से पूर्व ही और इसके अंतर्गत एंडोडर्म का फॉर्मेशन होता है। तो इसके फलस्वरूप ब्लास्टुला कन्वर्ट होकर टू लेयर्ड गैस्ट्रुला में ब्लास्टुला का परिवर्तन हो जाता है। मोनोब्लास्टिक होता है एम्ब्रियो इनिशियली तो वो गैस्ट्रुलेशन के फलस्वरूप डिप्लोब्लास्टिक गैस्ट्रुला में
परिवर्तित हो जाता है। गैस्ट्रुलेशन एग लेइंग के 2 या 3 घंटे के अंदर कंप्लीट हो चुका होता है। तो एक डिप्लोब्लास्टिक एम्ब्रियो के अंदर एक बाह्य एपिब्लास्ट पाया जाता है जो कि एक्टोडर्म है, और इनर हाइपोब्लास्ट पाया जाता है जो कि एंडोडर्म है। अब जो ओरिजिनल जो सबजर्मिनल कैविटी थी वो उसे हाइपोब्लास्ट डिवाइड करता है और एक सेकेंडरी ब्लास्टोसील बाह्य बन जाता है इस डिवीजन की वजह से, और इनर आर्केंट्रॉन या प्रिमिटिव गट बन जाता है। तो अब हम अगर एग के इंक्यूबेशन की बात करें तो एग लेइंग के पश्चात जो डेवलपमेंट है एग का वो रुक जाता है टेम्परेचर ड्रॉप की वजह से। तो जब जब ऑप्टिमम टेम्परेचर मिलता है 37 to 40 degrees centigrade तभी अंदर भ्रूण का डेवलपमेंट कंटिन्यूड रह पाता है। तो ये नेचुरली प्राकृतिक रूप से जो पेरेंट बर्ड हीट प्रदान करते हैं एग, मतलब इसको अंडा सेना कहते हैं। तो अंडा सेने के द्वारा जो एप्रोप्रिएट टेम्परेचर प्रदान करती है मुर्गी अंडे को, और फिर जो बाकी का डेवलपमेंट है वो कंटिन्यू होता है। यह आर्टिफिशियली भी किया जाता है पोल्ट्री फार्म्स में, तो जहां पर कि इंक्यूबेटर में जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर है वो मेंटेन किया जाता है।